दोस्तों, जंगल में न जाने कितनी तरह के वाकयात होते रहते हैं, जिसमें से कुछ तो हम जान पाते हैं और बहुत कुछ अनजाने में रह जाता है। लेकिन इसके लिए आपको हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको जंगल की दुनिया के अजीबोगरीब वाकयात से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इंसानों को तो बच्चे अडॉप्ट करते सुना ही होगा या देखा होगा, पर क्या आपने कभी जानवरों को ऐसे करते देखा है या सुना है? आपके कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा भी होता है। चलिए हम आपको कुछ वीडियोस की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। आगे जो वीडियोस आपको दिखाएंगे, आप भी सोच पे पड़ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच वेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डॉगी एंड लैंप। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जानवरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या दिखाने वाले हैं, तो सोचना बंद कीजिए। इस वीडियो में हम आपको जो दिखा रहे हैं, आपको इस पर यकीन आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, पहली बार तो मुझे भी लगा भाई क्या नजारा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये डॉगी लैंप को दूध पिला रहा है। दरअसल किसी हादसे में लैंप अपनी फैमिली को खो चुका है। अब ये डॉगी ही लैंप की फैमिली है और इसका दोस्त भी, यानी कि इस डॉगी ने इस लैंप की देखभाल का जिम्मा लिया है। देखिए कैसे डॉगी ने दूध की बोतल को अपने दांतों से दबा रखा है। इस लैंप को तो देखिए कैसे मजे से दूध पी रहा है। दोस्तों, लैंप के लिए डॉगी के प्यार को देखकर सभी ने इसकी खूब तारीफ की। इस प्यारे से डॉगी के लिए एक लाइक तो बनता है। लायन एंड पपी। दोस्तों, जंगल में एक तरफा राज करने वाला ये लायन आज कैद में है। दरअसल इसे इलाज के लिए लाया गया है। लायन जंगल का राजा होता है, लेकिन वो राजा ही क्या जिसने दया ना दिखाई हो। इस वीडियो में देखें कि कैसे ये लायन इस माइलो नामी पप्पी के साथ बच्चों की तरह खेल रहा है। बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता भी काफी गहरा हो चुका है। माइलो के इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो इस वक्त जंगल के राजा और एक बड़े शिकारी के साथ है, बल्कि वो तो अपने दोस्त के साथ मस्त है। चिंपैंजी अडॉप्ट टू टाइगर कब्स। दोस्तों, इस वीडियो में आप एक चिंपैंजी को देख ही रहे हैं जो दो टाइगर के बच्चों के साथ खेल रहा है। ये नजारा कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर टाइगर ने अपने बच्चों को चिंपैंजी के पास क्यों छोड़ा है? इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आप इस चिंपैंजी के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, दरअसल चिंपैंजी मानव, गोरिल्ला और ओरांगुटान नस्ल में से एक है, जो कि लाखों साल पहले मानव गोरिल्ला की नस्ल से अलग हो गए थे। हालांकि इनका दिमाग काफी तेज चलता है, ये काफी जल्दी भी सीख सकते हैं। इंसानों के साथ चिंपैंजी के काफी गुण मिलते जुलते हैं। चिंपैंजी वेजिटेरियन होता है। चिंपैंजी की हाइट 5 से 6 फुट होती है। इस वीडियो में आप चिंपैंजी को टाइगर के बच्चों के साथ खेलते हुए देख ही रहे हैं। दरअसल चिंपैंजी ने इन बच्चों को गोद लिया है। अब आप पूछेंगे, ये भला कैसे मुमकिन है? तो हम आपको बता दें कि जंगल में एक हादसे में इनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये बच्चे चिंपैंजी के साथ रह रहे हैं। आप वीडियो में ही देख रहे हैं कि ये बच्चे चिंपैंजी के साथ कितने खुश हैं। आखिर खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि चिंपैंजी ने इतना प्यार जो दिया है। काओ अडॉप्ट ए लेपर्ड कब। गाय बहुत ही पुरसकून नेचर की होती है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपका इस बात पर और भी यकीन हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में इस गाय के आसपास एक लेपर्ड चक्कर काट रहा है। जी हाँ, ये लेपर्ड ही है, लेकिन ये कौ पर हमला करने नहीं, बल्कि ये एक बेबी लेपर्ड है जिसकी माँ एक शिकार में मारी जा चुकी है। अभी तक इस लेपर्ड ने शिकार का दाव पेच नहीं सीखा है, जिसकी वजह से जंगल में इसके लिए सरवाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए इसे किसी सहारे की जरूरत है। इसे इस टाइम पर कौ ने ही सहारा दिया है। है ना हैरान कर देने वाली तस्वीर, लेकिन सच यही है। इस लेपर्ड कब को कौ ने अडॉप्ट कर लिया है। अब इसकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी कौ ने अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, जंगल से आने वाली ये तस्वीर ये साबित कर रही है कि जंगल में सिर्फ खूनखवारी ही नहीं, बल्कि ममता भी देखने को मिलती है। डॉग अडॉप्ट ओपोसम। दोस्तों, हम आपको एक और अमेजिंग वीडियो दिखाते हैं। अब इस डॉग को ही देखिए। अरे ये क्या, इसकी पीठ पर आखिर ये क्या है? चोंगे ना,
अरे भाई ये कोई आम चूहा नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ओपोसम। जी हाँ, देखने में ये आपको रैट जैसे ही लग रहे हैं, दरअसल ये रैट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये चाइना और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं और कुछ तो शायद भी खाते हैं, और ज्यादातर ये दरख्तों पर ही रहते हैं। लेकिन ये इस वक्त इस डॉग की पीठ पर क्या कर रहे हैं? दोस्तों एक्चुअली में ये अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हैं और इस डॉगी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया है, तब से ये सभी डॉगी के साथ ही रहते हैं। जरा डॉगी को देखिए, कितने सुकून से इन्हें पीठ पर लिए घूम रहा है। दरअसल इन्हें पीठ पर लेकर ही डॉगी सारे काम करता है। भाई इतना लाड प्यार इन्हें और कहां मिलेगा भला। कैट अडॉप्ट अ डॉग। हालांकि जानवर इंसानों की तरह बोल नहीं पाते, लेकिन इंसानों की तरह जानवरों में भी दोस्ती और भाईचारा देखने को मिलता है। अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी बिल्ली ने किसी बड़े से डॉगी को अडॉप्ट किया है, तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल जूडी नामी इस खतून के पास एक डॉग है जो देख नहीं सकता, लेकिन हाल ही में जूडी के घर में एक कैट आई है जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब कैट ने इस डॉग को अडॉप्ट कर लिया है। अब कैट इस डॉग का ध्यान भी रखती है, बल्कि दिन भर इसके साथ खेलती भी है। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं आने जाने के लिए इसकी मदद भी करती है। ये अडॉप्शन भी कितना प्यारा है ना। मॉन्की केयरिंग अ पपी। दोस्तों इस क्लिप में देखिए, इस मॉन्की के हाथों में एक पपी है जिसे मॉन्की ने अडॉप्ट किया है। अब मॉन्की ने ऐसा क्यों किया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस पप्पी को माँ का प्यार मिल गया है, ये काफी है। जरा देखिए तो कैसे इस पप्पी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मॉन्की इस पप्पी पर ही अपना प्यार लुटा रहा है, बल्कि इस मॉन्की का भी अपना एक बच्चा है। अब इस मॉन्की बेबी के लिए एक दोस्त भी मिल चुका है जिसके साथ वो आराम से खेल सकता है। लाइन एंड ओरेक्स। दोस्तों कीनिया के जंगल का ये वीडियो देखकर आपकी आंखें चौंक जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि इस शिकारी लाइन ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, आखिर ये छोटा सा ओरेक्स इस लाइन के साथ क्या कर रहा है। दरअसल ये जानवर चार पैरों वाला लार्ज एंटेलूप स्पीशीज है। ये देखने में गोट जैसा लगता है, लेकिन इसका नाम ओरेक्स है। इस वक्त ये अपने झुंड से बिछड़ चुका है और एक लाइन के साथ है। जंगल में किसी दूसरे जानवर का एक लाइन के साथ होना कितना खतरनाक माना जाता है ये तो सबको पता है, लेकिन इस वक्त ये ओरेक्स लाइन का शिकार नहीं, बल्कि इस वक्त ये लाइन की सिक्योरिटी में है जिसे लाइन ने अडॉप्ट किया है। हिप्पो एंड टर्टल। दोस्तों हिप्पो एक वजनी जानवर है, लेकिन नेचर से कोई बड़ा नहीं होता। दरअसल दोस्तों कीनिया के समुद्री इलाके में आई सुनामी की वजह से एक हिप्पो अपनी फैमिली से बिछड़ गया। हालांकि इसने दूसरे हिप्पो के झुंड में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हिप्पो को दूसरे झुंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद इसे एक सेंचुरी में रखने का फैसला लिया गया। यहां इसकी मुलाकात 130 साल पुराने टर्टल से होगी और बाद में इसकी दोस्ती भी होगी। टर्टल के पास रहकर हिप्पो खुद को महफूज और खुश महसूस करने लगा। अब दोनों आराम से साथ साथ रह रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गीज एंड पिग। दोस्तों गीज काफी पुरसकून नेचर के होते हैं, बस इन्हें कोई गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि गुस्से में ये किसी को भी मानने से पीछे नहीं हटते। जरा ये वीडियो देखिए कैसे ये गीज झुंड बनाकर अपने दाने पानी के लिए जा रहे हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन हम आपको इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन देते हैं, ये पुरसकून नेचर के साथ साथ काफी हेल्पफुल भी होते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए। अपने झुंड से निकाले इस पिग को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बताइए आज के दौर में ऐसा कौन करता है भला। अब ये पिग दिन भर इन्हीं के साथ खाता है, पीता है और मजे से खेलता है। गीज भी इस पिग का पूरा ख्याल रखते हैं और पिग भी इनके साथ घुल मिल गया है। भाई जानवरों की दुनिया भी कितनी अजीब है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कई अजीबोगरीब वाकया देखने को मिले। देखा आपने कैसे एक लायन जैसे खतरनाक जानवर ने ओरेक्स जैसे मामूली जानवर को अपना दी।
और कैसे एक गाय ने लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर के बच्चे को गोद लिया और एक डोगी ने लैम्प के बच्चे को दूध पिलाया। और इस वीडियो में आपने देखा कि एक ग्रुप में से निकाले जाने के बाद गीस ने एक पिक को अपने ग्रुप में शामिल किया। बहुत सारी ऐसी मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ साथ वीडियो को लाइक द रिच फैट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।